नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्द्र मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ, 7 ही नवंबर 2019 के लिए। ये देखिए, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया है। ये लॉन्ग अप ट्रेंड ये इसका जारी है, ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। इधर से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। तो इधर ये 3777 में ये रेजिस्टेंस लिया है इसका, ये 31,000 का, ये इसके ऊपर जाएगा तो 31,000 तक जा सकता है, और नीचे आएगा तो इसका 30,500 के नीचे गिरना पड़ेगा। उसके बाद 30,405, उसके बाद 30,321, उसके बाद 30,766, उसके बाद 30,000 के नीचे जाके ये 29,800 तक आ सकता है। उसके बाद फिर 29,650 में ये सपोर्ट ले सकता है। इस एक्सपायरी में इतना डाउन मूवमेंट पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, ये ऊपर जाके कुछ ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे कंसोलिडेट करेगा। 31,500 के बीच में ही रहेगा, ये ऐसे लगता है। और निफ्टी नवंबर फ्यूचर को मैंने देखूँगा तो इसका निफ्टी नवंबर फ्यूचर का भी ये 12,050 में सपोर्ट ले है, 12,050 में इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद 12,100 के ऊपर जा सकता है, और नीचे आएगा तो ये 11,960, 11,960, 11,960, 11,940, उसके बाद 11,880, उसके बाद 11,811, और इसके बाद 771। तो ये लगता है 11,800 से 12,000 का 100 के बीच में ये मूवमेंट होगा, तो इतना इसके अंदर होगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाके ये कंसोलिडेट करेगा। और इसका ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करूँगा तो निफ्टी का जो PCR रेशियो है ये 1.28 है। और इधर देखिए कॉल साइड में इसका शॉर्ट बिल्डअप, कॉल साइड में इसका 12,000 में इसका रेजिस्टेंस है, इधर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,900 में है, पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 11,900 में है, उसके बाद 11,800 में है, 11,800 में है। और इधर देखिए कॉल साइड में जो चेंजिंग जो ओपन इंटरेस्ट है, एक चीज़ नोटिस करने का है कि इधर चेंजिंग ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, प्राइस भी नेगेटिव है, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। हर मतलब सपोर्ट में, हर रेजिस्टेंस में ये 12,100 में भी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, और इधर ये भी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, मतलब ये नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। ये नीचे हो सकता है, ये नीचे जाएगा, नीचे जाके ये फर्स्ट सपोर्ट इसका 11,900 या 11,800 तक आ सकता है। और इधर भी इधर शॉर्ट बिल्डअप ही हुआ है, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ही 950 में इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इधर लॉन्ग में मतलब ये इधर भी मतलब जाने का प्रोबेबिलिटी है, मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी, सॉरी ऊपर जाने पुट अनवाइंडिंग, पुट शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो सॉरी पुट शॉर्टिंग हो रहा है, तो इधर भी जाने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये 12,100 से लगता है 12,900 के अंदर इस रहेगा, इस एक्सपायरी में ये रह सकता है। और निफ्टी का लेकिन इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग होने के वजह से मेरा लगता है कि ये एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा डाउन मूवमेंट दिख सकता है। और बैंक निफ्टी का जो है इधर चेंज ओपन इंटरेस्ट ये PCR रेशियो इसका 1.63 हो गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्टेड लेने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये ऊपर के नीचे आ सकता है। लेकिन इधर जो कॉल बिल्ड में इसका देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, लेकिन चेंज इन प्राइस इसका पॉजिटिव है, मतलब इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो इसका अप ट्रेंड दिख रहा है। तो कुछ मतलब कंडीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कुछ कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, एक ही साइड में दो कंडीशन या तीन कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, किसी जगह में